नमस्कार दोस्तों, आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको भारत में मौजूद 12 ज्योतिर्लिंगों के बारे में बताने वाला हूँ। हिंदू धर्म और पुराणों के अनुसार शिवजी जहाँ जहाँ स्वयं प्रकट हुए उन 12 स्थानों पर स्थित शिवलिंगों को ज्योतिर्लिंग के रूप में पूजा जाता है। ये संख्या में 12 है। महादेव शिव, जो बुराई का नाश करने वाले हैं, उन्हें अलग अलग नामों से बुलाया जाता है। एक हिंदू होने के नाते ज्यादातर लोग ज्योतिर्लिंग शब्द के बारे में जरूर जानते होंगे। शिव का ज्योतिर्लिंग हिंदुओं में अत्यधिक पूजनीय है। एक ज्योतिर्लिंग एक मंदिर है जहां भगवान शिव की पूजा एक ज्योतिर्लिंग के रूप में की जाती है। अब आप पूछेंगे कि ज्योतिर्लिंग क्या है? ये सर्वशक्तिमान का उज्ज्वल चिन्ह है, यानी ये ईश्वर का चिन्ह है। ज्योतिर्लिंग का कई पौराणिक कथाओं में उल्लेख मिलता है, जैसे कि शिव पुराण। जब भगवान विष्णु और भगवान शिव इस बात पर बहस कर रहे थे कि कौन सर्वोच्च है, यानी कौन बड़ा है, भगवान शिव ने प्रकाश के एक विशाल स्तंभ का निर्माण किया और दोनों को दोनों दिशाओं में प्रकाश का अंत खोजने के लिए कहा, जिस पर भगवान ब्रह्मा ने झूठ बोला कि उन्हें अंत मिल गया है। लेकिन भगवान विष्णु ने हार मान ली। भगवान शिव ने तब भगवान ब्रह्मा को श्राप दिया कि भले ही वह ब्रह्मांड के निर्माता हैं, लेकिन धरती पर उनकी पूजा नहीं की जाएगी और माना जाता है कि यहाँ मौजूद ज्योतिर्लिंग भगवान शिव द्वारा निर्मित प्रकाश के उस अनंत स्तंभ से प्रकट हुए हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि भारत में 12 ज्योतिर्लिंग हैं, अब इस वीडियो में मैं आपको बारी बारी सभी ज्योतिर्लिंग के बारे में थोड़ी थोड़ी आवश्यक जानकारी देने का प्रयास करूंगा। सोमनाथ ज्योतिर्लिंग गुजरात। इसे 12 ज्योतिर्लिंगों में से पहला माना जाता है। गुजरात में सोमनाथ मंदिर देश का एक अत्यंत प्रतिष्ठित तीर्थ स्थल है। गुजरात में ज्योतिर्लिंग के अस्तित्व में आने से संबंधित एक पौराणिक कथा है। शिव पुराण के अनुसार चंद्रमा का विवाह दक्ष प्रजापति की 27 बेटियों से हुआ था, जिसमें से वह रोहिणी को सबसे अधिक प्रेम करते थे। अन्य पत्नियों के प्रति उनकी लापरवाही को देखकर प्रजापति ने चंद्रमा को श्राप दिया कि वह अपनी सारी चमक खो देंगे। रोहिणी के साथ चंद्रदेव सोमनाथ आए और उसने स्पार्श लिंगम की पूजा की, जिसके बाद उन्हें अपनी खोई हुई सुंदरता और चमक वापस पाने के लिए शिव ने आशीर्वाद दिया। उनके अनुरोध पर भगवान शिव ने सोमचंद्र नाम ग्रहण किया और वहां अनंत काल तक निवास किया। वह सोमनाथ के नाम से प्रसिद्ध हुए। जब से सोमनाथ ज्योतिर्लिंग को कई बार नष्ट किया गया और इतिहास में कई बार पुनर्निर्माण भी किया गया। मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग आंध्र प्रदेश। मल्लिकार्जुन मंदिर श्री शैला पर्वत पर दक्षिणी भाग में कृष्णा नदी के तट पर स्थित है। इसे दक्षिण के कैलाश के रूप में भी जाना जाता है और यह भारत के सबसे महान शिव तीर्थ स्थलों में से एक है। इस मंदिर के प्रमुख देवता मल्लिकार्जुन हैं। शिव पुराण के अनुसार भगवान गणेश का विवाह कार्तिकेय से पहले हुआ था, जिससे कार्तिकेय नाराज हो गए। वह दूर क्रंच पर्वत पर गए। सभी देवताओं ने उन्हें सांत्वना देने की कोशिश की, लेकिन व्यर्थ रहे। अंततः शिव पार्वती ने स्वयं पर्वत की यात्रा की, लेकिन कार्तिकेय ने उन्हें छोड़ दिया। अपने पुत्र को ऐसी अवस्था में देखकर वे बहुत आहत हुए और शिव ने एक ज्योतिर्लिंग का रूप धारण किया और मल्लिकार्जुन के नाम से पर्वत पर निवास किया। मल्लिका का अर्थ है पार्वती, जबकि अर्जुन शिव का दूसरा नाम है। लोगों का यह मानना है कि इस पर्वत के सिरे को देखने मात्र से सभी पापों से मुक्ति मिल जाती है। महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग मध्य प्रदेश। महाकालेश्वर मंदिर मध्य प्रदेश के उज्जैन में घने महाकाल वन में शिप्रा नदी के तट पर स्थित है। मध्य प्रदेश का यह ज्योतिर्लिंग मध्य प्रदेश का एक महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल है। इस ज्योतिर्लिंग के अस्तित्व में आने से संबंधित कई कहानियां हैं। पुराणों के अनुसार एक 5 वर्षीय बालक श्रीकर था, जो भगवान शिव के प्रति उज्जैन के राजा चंद्रसेन की भक्ति से रोमांचित था। श्रीकर ने एक पत्थर लिया और शिव के रूप को पूजने लगा। कई लोगों ने उसे अलग अलग तरीकों से मनाने की कोशिश की, लेकिन उसकी भक्ति बढ़ती रही। उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने एक ज्योतिर्लिंग का रूप धारण किया और महाकाल वन में निवास किया। महाकालेश्वर मंदिर को हिंदुओं द्वारा एक और कारण से बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। वह 7 मुक्ति स्थलों में से एक है। मुक्ति स्थल वह जगह है जो मानव को मुक्त करवा सकती है।
ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग मध्य प्रदेश। ओमकारेश्वर मंदिर अत्यंत महत्वपूर्ण ज्योतिर्लिंगों में से एक है और मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी में शिवपुरी नामक एक द्वीप पर स्थित है। ओमकारेश्वर शब्द का अर्थ है ओमकारा का भगवान या ओम धनी का भगवान। हिंदू शास्त्रों के अनुसार एक बार देवों और दानवों के बीच एक महान युद्ध हुआ जिसमें दानवों की जीत हुई। यह देवों के लिए एक बड़ा झटका था, जिन्होंने फिर भगवान शिव से प्रार्थना की। उनकी प्रार्थना से प्रसन्न होकर भगवान शिव ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के रूप में उभरे और दानवों को पराजित किया। इस प्रकार यह स्थान हिंदुओं द्वारा अत्यधिक पवित्र माना जाता है। वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग झारखंड। वैद्यनाथ मंदिर को वैजनाथ या वैद्यनाथ नाम से भी जाना जाता है। यह झारखंड के देवघर में स्थित है। यह अत्यधिक पूजनीय ज्योतिर्लिंग मंदिरों में से एक है और भक्तों का ऐसा मानना है कि इस मंदिर की ईमानदारी से पूजा व्यक्ति को उसकी सभी चिंताओं और दुखों से छुटकारा दिलाती है। एक प्रसिद्ध कथा के अनुसार राक्षस राजा रावण ने ध्यान किया और भगवान शिव से श्रीलंका आने और उसे अजय बनाने के लिए कहा। रावण ने कैलाश पर्वत को अपने साथ ले जाने की कोशिश की, लेकिन भगवान शिव ने उसे कुचल दिया। रावण ने तपस्या की और बदले में उसे एक ज्योतिर्लिंग दिया गया, जो इस शर्त पर दिया गया कि यदि इसे जमीन पर रखा जाए तो यह अनंत काल तक उस स्थान पर बना रहेगा। रावण जब इस ज्योतिर्लिंग को श्रीलंका ले जा रहे थे, तभी भगवान वरुण ने रावण के शरीर में प्रवेश किया और उन्हें लघुशंका जाने की आवश्यकता महसूस हुई। तब भगवान विष्णु एक बालक के रूप में भूलोक पर आए और इस बीच लिंगम को धारण करने की पेशकश की। हालांकि विष्णु ने लिंगम को जमीन पर रख दिया और वह मौके पर ही जड़ गया। तपस्या के रूप में रावण ने उसके 9 सिर काट दिए। शिव ने उसे पुनर्जीवित किया और एक वैद्य की तरह शरीर से सिर जोड़ दिए और इसीलिए इस ज्योतिर्लिंग को वैद्यनाथ नाम से भी जाना जाने लगा। भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग महाराष्ट्र। भीमाशंकर मंदिर पुणे महाराष्ट्र के भीमा नदी के तट पर स्थित है और इस नदी का एक उद्गम स्थल भी माना जाता है। इस ज्योतिर्लिंग के अस्तित्व के बारे में जो कहानी प्रसिद्ध है वह कुंभकर्ण के पुत्र भीम से संबंधित है। जब भीम को पता चला कि वह कुंभकर्ण का पुत्र है, जिसे भगवान विष्णु ने भगवान राम के रूप में अवतार लेकर वध किया था, तो उसने भगवान विष्णु से बदला लेने की कसम खाई। उसने भगवान ब्रह्मा को प्रसन्न करने के लिए तपस्या की, जिन्होंने उसे अपार शक्ति प्रदान की। इस शक्ति को पाकर उसने दुनिया में कहर ढाना शुरू कर दिया। उसने भगवान शिव के सबसे बड़े भक्त काम रूपेश्वर को पराजित किया और उसे काल कोठरी में डाल दिया। इससे भगवान नाराज हो गए और अंततः दोनों के बीच युद्ध शुरू हो गया और शिव ने अंततः राक्षस को राख में बदल दिया। तब सभी देवताओं ने शिव से अनुरोध किया कि वह उस स्थान पर निवास करें। तब शिव ने स्वयं को भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट किया। ऐसा माना जाता है कि युद्ध के बाद शिव के शरीर से जो पसीना निकला वह भीमा नदी है। रामेश्वर ज्योतिर्लिंग तमिलनाडु। रामेश्वर मंदिर 12 ज्योतिर्लिंगों में से सबसे दक्षिणी तमिलनाडु के सेतु तट से दूर रामेश्वरम द्वीप पर स्थित है। यह मंदिर अपनी वास्तुकला के लिए प्रसिद्ध है और प्रमुख रूप से लंबे अलंकृत गलियारों और 36 अखाड़ों के लिए जाना जाता है। यह ज्योतिर्लिंग रामायण और श्रीलंका से राम की विजय वापसी में जुड़ा हुआ है। ऐसा माना जाता है कि राम श्रीलंका जाने के रास्ते में रामेश्वरम में रुक गए थे और समुद्र के किनारे पानी पी रहे थे, जब एक आकाशवाणी उद्घोषणा हुई, तुम मेरी पूजा किए बिना पानी पी रहे हो। यह सुनकर राम ने रेत का एक लिंग बनाया और उसकी पूजा की और रावण को हराने के लिए उनका आशीर्वाद मांगा और भगवान शिव का आशीर्वाद मिला, जो उस समय एक ज्योतिर्लिंग में बदल गए और अनंत काल तक निवास करते रहे। नागेश्वर ज्योतिर्लिंग गुजरात। नागेश्वर मंदिर को नागनाथ मंदिर के नाम से भी जाना जाता है, जो गुजरात में सौराष्ट्र के तट पर गोमती द्वारका और बैत द्वारका द्वीप के बीच के मार्ग पर स्थित है। यह ज्योतिर्लिंग विशेष व महत्व रखता है क्योंकि यह सभी प्रकार के जहर से सुरक्षा का प्रतीक है। ऐसा माना जाता है कि जो लोग इस मंदिर में पूजा करते हैं वह सभी विषों से मुक्त हो जाते हैं। शिव पुराण के अनुसार सुप्रिया नाम के एक शिव भक्त को दानव दारुका ने पकड़ लिया था। दानव ने उसे अपनी राजधानी दारुकवाणा में कई अन्य लोगों के साथ कैद कर लिया। सुप्रिया ने सभी कैदियों को ओम नमः शिवाय का जाप करने की सलाह दी
जिससे दारुका नाराज हो गया, जो सुप्रिया को मारने के लिए दौड़ा। भगवान शिव तब दानों के सामने प्रकट हुए और उसका अंत किया। इस प्रकार नागेश्वर ज्योतिर्लिंग अस्तित्व में आया। काशी विश्वनाथ वाराणसी। काशी विश्वनाथ मंदिर दुनिया में सबसे पूजनीय स्थल पर स्थित है, जो कि काशी है। यह बनारस या वाराणसी के पवित्र शहर की भीड़ भरी गलियों के बीच स्थित है। वाराणसी के घाटों और गंगा से अधिक शिवलिंग श्रद्धालुओं का भक्तिमय केंद्र बना हुआ है। ऐसा माना जाता है कि यह भगवान शिव का सबसे प्रिय मंदिर है, और कई लोगों का मानना है कि जो लोग यहाँ मरते हैं वे मोक्ष को प्राप्त करते हैं। कई लोग ऐसा भी मानते हैं कि शिव स्वयं यहाँ निवास करते हैं। इस मंदिर का कई बार पुनर्निर्माण किया गया है, लेकिन हमेशा इसने अपने महत्व को जारी रखा है। त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग नासिक। त्र्यंबकेश्वर मंदिर गोदावरी नदी से ब्रह्मगिरी नामक पर्वत के पास महाराष्ट्र में नासिक में स्थित है। इस मंदिर को गोदावरी नदी का एक स्रोत भी माना जाता है, जिसे गौतमी गंगा के नाम से भी जाना जाता है। शिव पुराण के अनुसार गौतम ऋषि और अन्य सभी देवताओं ने शिवजी से अनुरोध किया कि वह यहाँ निवास करें, तो तब शिवजी ने फैसला किया कि वह त्र्यंबकेश्वर नाम ग्रहण कर यहाँ निवास करेंगे। गौतम ऋषि ने वरुण से एक कमंडल के रूप में वरदान प्राप्त किया, जिससे उन्हें अनाज और भोजन की एक अटूट आपूर्ति प्राप्त हुई। दूसरे देवताओं को उनसे जलन होने लगी और उन्होंने इसी वजह से एक गाय को भेजा जो उनका सारा अनाज चर लेती थी। गौतम ऋषि द्वारा उस गाय को गलती से मार दिया गया, जिन्होंने तब भगवान शिव से परिसर को शुद्ध करने के लिए कुछ करने के लिए कहा। शिव ने तब गंगा को उस परिसर को निर्मल बनाने के लिए भूमि से प्रवाहित होने को कहा। सभी ने इस प्रकार भगवान की स्तुति गाई, जो तब त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग के रूप में गंगा के किनारे निवास करते थे। हिंदुओं का मानना है कि महाराष्ट्र का यह ज्योतिर्लिंग वह है जो सभी की इच्छाओं को पूरा करता है। केदारनाथ ज्योतिर्लिंग उत्तराखंड। भारत के सबसे पवित्र तीर्थ स्थलों में से एक केदारनाथ मंदिर केदार नामक पर्वत पर 12,000 फीट की ऊंचाई पर रुद्र हिमालय पर्वतमाला पर स्थित है। यह हरिद्वार से लगभग 150 मील की दूरी पर है। ज्योतिर्लिंग को दर्शाने वाला मंदिर साल में केवल 6 महीने ही खुलता है। परंपरा यह है कि केदारनाथ की यात्रा पर जाते समय लोग सबसे पहले यमुनोत्री और गंगोत्री जाते हैं और पवित्र जल को केदारनाथ में चढ़ाते हैं। कहानियों के अनुसार नर और नारायण, जो कि भगवान विष्णु के दो अवतार हैं, उन्होंने घोर तपस्या से भगवान शिव को प्रसन्न किया। तब प्रसन्न होकर भगवान शिव ने इस ज्योतिर्लिंग के रूप में केदारनाथ में स्थायी रूप से निवास किया। लोगों का मानना है कि इस स्थल पर प्रार्थना करने से व्यक्ति की सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। घृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग औरंगाबाद। घृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग महाराष्ट्र के औरंगाबाद के पास दौलताबाद में स्थित है। इस मंदिर के पास स्थित प्रसिद्ध पर्यटन स्थल हैं अजंता और एलोरा की गुफाएं। इस मंदिर का निर्माण अहिल्याबाई होलकर ने कराया था, जिन्होंने वाराणसी में काशी विश्वनाथ मंदिर का भी पुनर्निर्माण कराया था। घृष्णेश्वर मंदिर को अन्य नामों से भी जाना जाता है, जैसे कुसुमेश्वर, घुसमेश्वर, ग्रुमेश्वर और घृष्णेश्वर। शिव पुराण के अनुसार सुधर्मा और सुधेया नाम का एक जोड़ा देवगिरी पर्वत के पास निवास करता था। वे निसंतान थे और इसी कारण सुधेया ने अपनी बहन गुष्मा से सुधर्मा की शादी करवा दी, जिन्होंने एक बेटे को जन्म दिया, जिससे उसकी बहन सुधेया को बहुत जलन हुई। अपनी ईर्ष्या में सुधेया ने उनके बेटे को झील में फेंक दिया, जहां गुष्मा ने 101 लिंगों का निर्वाहन किया था। गुष्मा ने तब भगवान शिव से प्रार्थना की, जिन्होंने अंततः उसके बेटे को लौटा दिया और उसे अपनी बहन के कामों के बारे में बताया। सुधर्मा ने शिव से सुधेया को मुक्त करने के लिए कहा, जिससे उनकी उदारता से शिव प्रसन्न हो गए। सुधर्मा के अनुरोध पर शिव ने स्वयं को ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट किया और घुसमेश्वर नाम धारण किया।